आज का जो सर्वन है फुलनेस फुलनेस पर इससे जो पहले 24 सर्वन आपने सुने हैं वो जरा आप देख शेप करते हैं पैराक्ली स्पिरिट ऑफ ट्रूथ बट एक्सपोज बाय होली स्पिरिट लेस मी अगेंस्ट होली स्पिरिट ड्रिंकिंग ऑफ द होली स्पिरिट स्पिरिट ऑफ सनशिप रिसीव द स्पिरिट बाय फेथ लिव बाय स्पिरिट गैदरिंग लव ऑफ स्पिरिट baptism of Holy Spirit and fire, tongues and prophecy, anointing, test of anointing, to anointed one, anointing teachers, same spirit of burning, gift of Holy Spirit, messages of Holy Spirit, dwelling place of Holy Spirit, communion of Holy Spirit, spirit without measuring, seal and first payment of Holy Spirit, the last spirit and bride say, come for all, Fullness of Holy Spirit, rule to this ki mamuri ke upar aapka vaad hoga. Aaiye mere saath gaiye. Rugere dekho ko आज बात के मुताबिक
लिखा रूह के मुआफिक जो चलता है कोई पिता के बेटे बेटे तो गोया रूह के मुआफिक चलने वाला रूह से मामूर होता है। आमीन। रूह से मामूर होने वाला कौन शख्स है? जो रूह के मुआफिक चलेगा। अगर रुकेगा तो वो मामूर नहीं। ये ही जो थीम है जो बाइबल की और इसमें की मामूरी के बाला से तो उसकी गाइडेंस में वो इसीलिए आया है। आज तो सामने क्वेश्चन रख देता हूं, रखना ये क्वेश्चन भी नहीं है पर रख देता हूं। आपको ये पता होना चाहिए और देखिए कि क्या आपने पैरा के लिए ये दूसरा मददगार आप हर रोज उसके साथ कितना रिफाक्ट करते हैं, शराब करते हैं, कितनी बात की आप होली स्पिरिट के साथ। तो ये हर एक को अंदर है हमारे से बातचीत करें। पहला मददगार क्राइस्ट है, अपने बाप से क्राइस्ट से होली स्पिरिट से कलाम से ये सारी चीजें क्योंकि होली स्पिरिट की सीरीज है। तो आप सामने यही कि क्या होली स्पिरिट से रोज बात होती है, इस सीरीज का यही मकसद है। आप होली स्पिरिट को जान जाए से बात करें, वो आपका मददगार है। आपको रूहानी और जिस्मानी हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है। किसी बात के पीछे नहीं छोड़ेगा, आपको तसल्ली देगा, जोर देगा, आपका स्पॉन्सर है, कंफर्टर है, इंटरसेसर है, मीडिएटर है, सब कुछ हमारा एडवोकेट है। इससे भरपूर फायदा उठाए और उसका दौर है और तमाम पैगाम के अंदर जो जो बातें आपने सुनी है सीखी है आपके अंदर है अब तक साथ रहेगा। कुवत पाकर खिदमत करे अंदर है, मामूर होते चले जाए बैप्टिज्म वाला भी और हमारे अंदर होली स्पिरिट का मौजूद है। और पतरस ने अपने पहले बात में क्या कहा जब उनके दिलों पे चोट लगी यहूदियों के, उन्होंने कहा ऐ भाई तो हम क्या करें? पतरस ने क्या कहा? तो बात करो तुमने से हाले अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो रूह कुदस के नाम में। और आप देखिए कि ये गिफ्ट है होली स्पिरिट बैप्टिज्म, मगर ईमान से वो हमारे अंदर आता है। जब हम ईमान ले आते हैं वो सील कर देता है हमारी जिंदगियों के अंदर, फर्स्ट पेमेंट आ जाती है निजात की। और कंटीन्यूअस के घराने के अंदर एक ही वक्त में ईमान लेके आ रहे हैं, एक ही वक्त में होली स्पिरिट बैप्टिज्म हो रहा है और काम करके बोल अल्लाह वाटर बैप्टिज्म अभी नहीं है। वाटर बैप्टिज्म उन्होंने बाद में लिया पर जो स्पिरिट बैप्टिज्म है वो हो गया। और बैप्टिज्म वाटर बैप्टिज्म हो या होली स्पिरिट बैप्टिज्म हो, ग्रीक वर्ड बैप्टिज्म जिसका मतलब तो डिप पर इसको पानी ही में डुबोया जाता है। बैप्टिज्म का बैप्टिज्म मतलब नहीं है कि आप छिड़काव करें ना थोड़ा सा ऊपर पानी लगा के क्रॉस बना दें, ये बैप्टिज्म नहीं है। बैप्टिज्म पूरा बैप्टिज्म ये डिप का नाम जरूरी है उसके मीनिंग के मुताबिक और स्पिरिचुअली डेथ रिजरेक्शन है जो क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन के वाला से। और जब हम होली स्पिरिट में बैप्टिज्म पाते हैं तो ये भी वो दरिया है। और हिस्केल की किताब में मैंने पढ़ा कि उसमें तैरता है, बैप्टिज्म जो है वो भी हमारा वाटर है उसके अंदर पूरा जाना तो वो जोर देता है कुवर हमें अता करता है। तो कदीलियस को होली स्पिरिट बैप्टिज्म पहले हो गया, बाद में उन्होंने बैप्टिज्म पाया। हमारे 19 बाद में उन्होंने दो बार कहें कि ईमान ले आए थे, वाटर बैप्टिज्म था, होली स्पिरिट बाद में हुआ। ये पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। ईमान लाते वक्त एकदम एक ही वक्त में ये चीजें आ सकती है और उसी वक्त को गिफ्ट रख देता है। और जो जरूरी जुमला और आपके जहन नशीन होना चाहिए, इब्तदाई कलीसिया के ऊपर नजूल हुआ
बाद लोग वोटर होली स्पिरिट बैप्टिज्म को भी नज़ूल कहते हैं। वो होली स्पिरिट बैप्टिज्म है, नज़ूल हो चुका है होली स्पिरिट का इब्तदाई क्लीसिया पर। जैसे इसराइल के ऊपर पिछली बारिश होनी है तो नज़ूल तो नहीं होना, नज़ूल तो हो चुका है, होली स्पिरिट का दौर है, मौजूद है, वो भी बैप्टाइज होगी, रूह से मामूल होंगे, तो नज़ूल हो चुका है। इसीलिए ईद पेंटिकोस्ट के मौके पर, और पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां, ये फसा से आगे जो 50 आता था डे, तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हफ्तों की ईद कहा गया है और ग्रीक में पेंटिकोस्ट कहा गया है। तो ईद पेंटिकोस्ट के मौके पर दो रोटियों के गिरते ब्रेड रोटी जो थी वो इसराइली ले के आते थे खुदा के हजूर, पहले फूलों की फसल काट कर रोटियां बनाकर और उसके ऊपर फायर आती थी। तो ये दो गिरते उसको तो नहीं कबूल किया, पर इब्तदाई कलीसिया पहला गिरता और आखिरी बारिश की कलीसिया इसराइल, दोनों गिरते जो है उनको पहले ही होली स्पिरिट की फायर ने कबूल कर लिया है। ये होली स्पिरिट का हजूर है, मगर वो बैप्टाइज हो। इसी तरह मैं आप होली स्पिरिट का नज़ूल हो चुका है, अब जो बैप्टिज्म लेना चाहता है कुवत के लिए ताकि मिनिस्ट्री करे तो खुदा के पास, जब हम कलीसिया में बुलाए वहां पर हाथ रखते हैं, वाटर बैप्टिज्म जब लेते हैं उसके बाद भी हम हाथ रखते हैं, ज्यादा हम होम सेल मीटिंग्स के अंदर ये इबादत जो है वो आप जहां जहां होती है आप वहां पर ठहरिए, अपने घर में खुद से कीजिए, ये तो दुआ करने से। तो उन्होंने 10 दिन दुआ की और यही पिटीशन का मतलब है कि ऐसी प्रेयर जब तक वो मुनाजात पूरी ना हो जाए आपकी दुआ जा नहीं रहे, तो वो 10 दिन तक दुआ करते। आज दुआ 10 दिन करने की जरूरत नहीं, वो नज़ूल के लिए कर रहे। आज उसी वक्त आप देखिए कर्नेलियस के खानदान ने कौन सी 10 दिन दुआ की, ईमान लाए उसी वक्त तो हमारी लाइफ के अंदर ये सब चीजें बड़ी तरतीब के साथ होनी चाहिए और रोज बरोज मामूल रूल खुशी से। पतरस ने ये बात दे दिया रिपेंटेंस के हवाले से, वोट बैप्टिज्म के हवाले से और रूल कुदस इनाम। अब देखें कुदस इनाम इंग्लिश में कहते गिफ्ट, अब हमने गिफ्ट को नेम तो में ले आए हैं उसका डेफिनेशन फर्क कर देते हैं, इनाम को फर्क ले आते हैं ना। गिफ्ट एक ही बात को टंग्स गिफ्ट दे दे, प्रॉफेसी दे दे, दूसरे गिफ्ट दे दे, तुम्हारे अंदर आता है और इंसान से बता देता है कि वो हमारे अंदर है और कुवत उसने दे रखी है ताकि अपने गिफ्ट को प्रेरित कर सकते। क्लिसिया याद रखें, क्लिसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट की तरक्की के लिए होना चाहिए और जो गिफ्ट है उसको यूज करें, जिस जिस तरह की उसकी नोयत है उसको इस्तेमाल मिला। तो ये नज़ूल और वाटर बैप्टिज्म होली स्पिरिट बैप्टिज्म में मैंने आपको बयान किया, आप सबके अंदर है होली स्पिरिट और बैप्टिज्म चाहिए, वो आप घर में सेल्फ में यहां जहां कहीं मौका आप ये तिश्ना आपको लगा रहे जो आगे होना चाहता है। और जब अंदर है तो भी आप वो गिफ्ट देगा, वो आपके अंदर है, वो हर तरह से आपको बरकत देना चाहता है और आज जब मैं हाथ रख के ब्लेस करूंगा तो कोई ना कोई गिफ्ट आपकी जिंदगी के अंदर आगे से या अंदर ही होंगे ऑपरेट होगा। आमीन। इसलिए भरपूर रूह की मामूली की जरूरत है, ना सिर्फ खादम को एक ईमानदार कलीसिया भरपूर मामूली के अंदर हो, ईद गाने वाले मालूम पड़े अवश्य, टेस्टमनी कलाम सुनाने वाले बहन भाई पता चले कि रूह का जोर कितना। और लास्ट मैंने बताया कि साउल के ऊपर जब होली स्पिरिट नाजिल हुआ नबियों की जमात के अंदर वर्शिप हो रही थी, तो जब नाजिल हुआ तो लिखा बदल कर और एक तरह का आदमी हो गया। दाऊद के ऊपर नाजिल हुआ पहले लिखा बाइबल में थोड़ा नाजिल होता था जब एनॉइंटमेंट नहीं था, जब एनॉइंटमेंट हो गया
और उसने जाकर जल्दी गुलियत को मारा, पहला काम उसने ये किया, और ये 19 के अंदर उसने मिनिस्ट्री संजाम दी, तो फिर लिखा बड़े जोर से हाजिर होने लगा। जबूर की किताब भरी पड़ी है नबूतों के साथ, हालांकि वो किंग है, नबी नहीं। उसके बाद नबी की खिदमत नहीं थी, वो बादशाह यहूदा के घराने का था, मगर अमाल की किताब उसे नबी भी कहा गया है, तो ये खिदमत तो नहीं थी, पर नबूते क्राइस के वजह से बेशुमार की है, इसलिए वो नबी भी कहा गया, पर हम उसको किंग डेविड ही कहेंगे, क्योंकि वो यहूदा का वंश है। तो वो दूसरे मामूल था, वर्षिप उठाता था, गीत गाता था, साज बनाता था, और देर नाइट रात के पहरों के अंदर उठ उठ कर गीत गाता था, बलबल बजाता था, सुबह अर्ली उठ जाता था, कहता सुबह उठू तो तेरी शबाहत से शेर हूं। ये टारगेट उसका था कि होली स्पिरिट से बातें करे, खुदा से बातें करे। और हमारी किताब में लिखा है रूल कुदस ने दाऊद के ऊपर जबूर 2 के वाला से लिखा है रूल कुदस ने उसे कलाम किया, रूल कुदस के साथ उसकी बड़ी यूनिटी थी, बड़ी जगानगत, बड़ी शराकत। दाऊद बादशाह बहुत अजीम बादशाह, रूल से मामूर था, ऐसा तो पीछे इब्लीस भी पड़ते हैं, पर ईमानदार हाथों अपने आप को शिकंजा में रखना, कंट्रोल करना है। पर उस कहता मैं अपने आपको मुक्कों से मारता हूं, ताकि ऐसा ना हो कि और मैं मुनादी करके नामकबूल है, आपकी गवाही हो, आपकी जिंदगी से समझ आए, साबित हो आप रूल कुदस से भरे हुए मामूर। आमीन। कहीं झोल नहीं होना चाहिए, होली स्पिरिट सीरीज सुनी है तो कहीं पर खराबी ना आए। बेशक अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो ऑप्शन तो होता है कि हमें वो निकाल लेता है, माफ कर देता है, माफी भी मांग लेते, पर क्यों गलतियां करें? इसलिए मामूली की जिंदगी फजल के साथ आगे बढ़ने की, पता चले बेटे बेटा लोग क्लीसिया है, चुने हुए लोग हैं, ताकि बालक बेटे बेटिया। आमीन। तो शागिर्द रोज रोज खुशी से और रूल कुदस से मामूर होते रहे। और जब आप इस आयत के पीछे स्टोरी पढ़े तो लिखा है कि जब वो मनादी कर रहे थे तो उन लोगों ने पालूस रसूल और दीगर शागिर्दों को धक्के दे के अपनी सरहदों से आउट कर दिया, कहा दिया निकल जाओ यहां से। और आगे लिखा है वो खुशी और रूल कुदस से मामूर। आदमों को अगर कुछ तंग करते हैं तो उसका ये नहीं मतलब हम परेशान होकर बैठे हैं अब क्या बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दफा मार्टिन लूथर की बीवी ने ब्लैक कपड़े पहन लिए और मार्टिन जैसा चेहरा बना लिया, तो मार्टिन लूथर ने कहा तुझे क्या हो गया है, इस तरह की हरकत बनाई है, उसको ऐसे लबाद करना। तो कहने लगी खुदा मर गया। तो मार्टिन लूथर ने कहा वो कैसे मर सकता है, उसने कहा फिर तू भी उदास है, उठ मना देकर काम कर, तुझे हमें लोग तेरे लिए तंग कर रहे हैं और तू पीछे हट गया। तो मान लो उधर को भी 10 लाख गए बादल में, ऐसे नहीं टेढ़ा टेढ़ा चेहरा बना के जिसे तंग किया है मायूस होकर बैठे। हमारे पास सुधार मददगार होली स्पिरिट कलाम अपने दिल पर चमकाए, दिखाए क्या वक्तों से मामूल हम लोग। दाऊद कहता है खुदावंद कोई ऐसा निशान दिखा ताकि तेरे मेरे दुश्मन शर्मिंदा हो जाए। तो काम करेंगे तो निशान कोई दिखाएगा, क्योंकि तो काम ही नहीं करेंगे और चेहरे बना के बैठ जाएंगे। इसलिए ईमानदार और खादम दोनों आगे पुलिस भी करने वाला मामूर होना चाहिए। आमीन। डेली जाली ना घर में जिंदगी हो, ना चर्च के अंदर हो, ना जॉब में, ना बिजनेस में, कहीं नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर दिल्ली जा रही हमें बताओ आपके अंदर होगी तो हम बताएंगे, नहीं होगी शाबाश देंगे। पर मुझे दिखती नहीं है दिल्ली जा रही कोई इसका दुकान तंग कर देता है, पर मेजोरिटी इसकी वजह क्या, अगर आप खिदमत से ठीक नहीं कर सके तो भाई खिदमत का फायदा ही क्या, ठीक करेंगे। इसलिए हर एक अपने खादिम के साथ
सीनियर कैडर के साथ, पूरी टीम के साथ कितने से ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें, नसीहत को लें, तबीयत पजीर हो। ये बॉडी है क्राइस्ट की, इसमें शिकांत चाहिए, इसमें खुदा का फजल चाहिए, और तब हम आगे बढ़ेंगे। और खुदा ने आप सबको मेरे जानने के मुताबिक रूहानी जिस्मानी बरकतों से माला माल कर किसी चीज में कम नहीं। तो उनको धक्के दिए मगर वो खुशी और बोलिए रूह कुदस से मामूर होते चले गए। अब मुझे इतना बार बार बताने की जरूरत नहीं कि रूह कुदस आपके अंदर नहीं, अंदर है। पर एक मैंने हवाला पढ़ा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप बोलिए आपने मांगने वालों को रूल कुदस क्यों ना देगा। ये क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन से पहले की पहला पद उसने बताई कि क्यों ना देगा जो आप करोगे। तो इतना ही से दुआ की और उनको रूल कुदस मिल गया। आज हम बैप्टिज्म के लिए दुआ करेंगे। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, यानी अगर मछली मांगे तो क्या सांप देंगे? नहीं, मछली ही देंगे। आमीन। अगर बच्चा रोटी मांगे तो क्या पत्थर देंगे? हरगिज़ नहीं, रोटी ही देंगे। अगर एक अंडा मांगे तो क्या बिच्छू देंगे? जहां ये पढ़ा ना बुरे होटल ऊपर ये सारी पहला पहले पढ़ी नहीं मैंने, पर बाद में आप सुने। तो क्या जब वो अंडा मांगे, मामा पापा मुझे एग चाहिए, तो आप उसके आगे बिच्छू रख देंगे? नहीं, आप उसको एग ही देंगे, अंडा ही देंगे। ये जिस्म की चीजें हैं, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें खिलाते, अच्छी डाइट, ये क्राइस्ट ने बताया है। और अगर कोई पेरेंट्स लाभ पढ़ाई करता है बोला गौर कर ले, बच्चे को फिश की भी जरूरत है, ब्रेड की जरूरत है, एग की जरूरत है। अरे भैया और बेशुमार चीजें जो अच्छी अच्छी है। आज का तो बच्चा अच्छी से अच्छी कीमती से कीमती चीज मांगता है और पेरेंट्स लेके देते हैं, याद है, लाभ है। तो अच्छी चीजें देना जानते हो। बाइबल लिखा तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस सबसे अच्छी चीज क्यों ना देगा। आमीन। मांगी तो से अब पहला बल सुनिए इस हवाला से। लिखा एक दोस्त सफर करके दूर दराज के मुल्क से ये ग्यारह बात के अंदर आपको खुली मिलेगी। पैम्फलेट में भी पढ़ सकते हैं, घर में भी जाके पढ़िएगा, पर यहां आपको वजाहत के साथ ये चीज मिलेगी। तो दोस्त सफर करके आया है, आपने एक दोस्त के घर पहुंचा है और थका हुआ है, सफर करके आया है, उसे वेलकम किया है, उसने कहा जल्दी से खाना ले आओ। उसने कहा खाना रोटी तो है नहीं, मुझे तो पूरी भूख लगी है, यानी तीन रोटियां चाहिए, मुझे तो बड़ी भूख लगी, तीन ही खाता है, बहुत लगी भूख, ऐसे मैं एक ही खाता। तो तीन रोटियां चाहिए। तो उसने कहा रोटी तो नहीं है, भूख मुझे बहुत लगी, बहुत सफर करके आया। अच्छा मैं आपने किसी और दोस्त के पास जाता हूं, उसके पास हूं तो फिक्र ना कर। तो वो दूसरे दोस्त के पास जाता है, उसका दरवाजा खटखटाता है, उसको कहता है तब मैं अपना आया हूं, मुझे रोटियां चाहिए, तीन रोटियां चाहिए, इसका मतलब है मुकम्मल खुराक चाहिए, मुझे दे। वो आगे से ये नहीं कहता कि रोटी नहीं है, वो कहता है मैं उठना दे नहीं सकता। ये नहीं उसने कहा कि मेरे पास रोटी नहीं है, उसने कहा मैं उठकर दे नहीं सकता। क्यों नहीं?
स्टोर के अंदर घरों को बड़े बड़े लॉक लगाए जाते, बड़े बड़े ताले, चाबियां भी लंबी लंबी होती, आधा घंटा लॉक करने में लगता था और आधा घंटा उसको खोलने में लगता था, इससे भी ज्यादा टाइम, इतना टाइम लगेगा। और फिर बच्चों को अपने साथ बांध के सोते थे कि कोई उठा के ना ले जाए, इस तरह वो महफूज करते थे। आज आज कोई अपने घर में प्रोटेक्शन करता है, उसने कहा मैं उठा ले, ये मतलब था, ये नहीं कि वो उठ के नहीं दे सकता, जैसे हम लोग उसके फौरन को बैल दे चले जाते हैं, उसको लॉक खोला, उसको बच्चों को, बच्चे भी जान उठे तो उसने उठकर मैं नहीं दे सकता, उसने कहा पर मुझे तो रोटी चाहिए, तुझे देनी ही पड़ेगी रोटी, बात बात बात। वो फिर कहते यार मैं नहीं उठ के दे सकता, बड़ी मुश्किल है, थोड़ी बात नहीं, मुझे रोटियां चाहिए, मेरा दोस्त आया है सफर करके, लिखा है वो देना तो नहीं चाहता रोटियां, मुश्किल है, पर उसकी बेहयाई के सबब से, बेहयाई का जो इंग्लिश मानी है बोल्डनेस, उसकी दलेरी, तो लफ्ज बेहयाई बता लिखा गया, उसकी दलेरी को देखकर तुझे हटना ही नहीं, तो उसे खो काम के काम पकड़ ले आगे रोटी। अब ये मैं सब कड़ाई से बताया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे पास बोला। ये है मैसेज, ये है मांगने का तरीका, ये है प्रेयर का। दरवाजा खुलता कैसे नहीं है, अगर भूख होगी, अगर नींद होगी तो आप खटखटाएंगे, और अगर नींद ही नहीं है, भूख ही नहीं है, तो फिर मांगो का थोड़ा सा मांग लिया, आपको बताया ठीक है मिल गए नहीं। आप क्राइस्ट से दुआ करें और ये होली स्पिरिट के हवाला से मांगो, यहां फ्रिज मांगते गाड़ी मांगते हैं, मांगो होली स्पिरिट, यहां वो मांगने के चक्रों में लगे हुए, वो तो लिखा है वो ऐसे ही दे देगा, ऐसे ही दे देगा। दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते करता है, मांगने वाले को देता है जो मांगे, क्योंकि यूहन्ना की जीवनी में भी लिखा है जो डाली मुख में है वो फल लाती है, जो चाहो मांगो, जो चाहो शिफा मांग ली देगा, पर मांगो तो सही, ये नहीं है बस एक रिक्वेस्ट देंगे तो आप भूल गए कि पानी करता ही है, मांगो, आओ खुदा के साथ घुटने झुकाओ, रातों दुआओं में ठहरो, उसका दरवाजा खटखटाओ, मुझे शिफा चाहिए। टियर ऑस्बर्न बहुत बड़ा लीडर, आज से 30 साल से पहले बहुत मिनिस्ट्री अफ्रीका के, बहुत मिनिस्ट्री, बड़ा बड़ा क्रूसेड उसने किया, बड़ी बड़ी हीलिंग उसने की, बड़े बड़े नाभाग्य खादम हुए, मगर उसकी अपनी बीवी कैंसर के, तो उसने कहा खुदा मैं इतने इतने मौजाद होते हैं पर मेरी वाइफ पानी देता, तो खुदा कहता क्यों नहीं देता, मैंने तो वादा कर रखा है, तू करता ना ही, तो वो बड़ी मिनिस्ट्री उसने बड़ी की, आप है उसको समझ आई कि हीलिंग नहीं हो रही, उसने बाइबल पकड़ कर घुटने उसने अपने झुका लिए, अब मांगना शुरू किया। इन लोगों को तो जल्दी से राम मिल जाता है, अपनी वाइफ की शिफा के लिए गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा खुदा अपने अहद को कोविनेंट को पढ़, इसमें लिखा है कि मैं शादी हूं, शिफा देता हूं उसको, शिफा दे, और खुदा ने शिफा दिया। मैंने मांगा अब तो सही मांगो, कैसे नहीं मिलेगा, जो मजिल मांगो ना चाहिए कैसे नहीं मिलेगी, चलो तो सही मांगो तो सही, शादी नहीं होती क्यों नहीं होती, सब कुछ बैठ दूसरे रखे हुए मांगो कि क्या चाहिए और कैसे चाहिए, कैसे इसको तीन रोटियां चाहिए, दो नहीं तीन चाहिए, पर पहली बात तो मांगना रूल कुदस है, दूसरी चीजें भी मांगिए, पर पहले होली स्पिरिट जिसने कलाम की समझ लेनी है, जिसने दुनिया में लेके चलना है आपको, वो मांगना पड़ेगा, वो बैप्टिज्म, वो
इसलिए देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप बोलिए अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा, इसलिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ खोल दिया जाएगा। आमीन। मांगना क्या है? मांगने वालों को रूह जब आगे बुलाया जाएगा फिर मांगना है लेना, पर जो दिशा हो तो प्यासा हो तो मांगना तो लेना इससे प्यार, इसलिए मसीह ने कहा जो प्यासा हो वो आए। क्यों कलीसिया पीछे रह जाती है, गिफ्ट से मामूली से क्यों रह जाती है? ये है तो मुफ्त की चीजें पर ताबेदारी जानदारी चाहिए, भूख चाहिए, प्यास चाहिए, पाकिस्की चाहिए, रासबाजी चाहिए, फिर ये मिलेंगी। ये फल ऐसे ही किसी को दे दिए जाएंगे? यहां तो यहां तक ये कहा आपने मोती पर सुनो के आगे मत डालो, ये तो इतनी कीमती दौलत है तो ये मिल कैसे जाए? जब तुम थोड़े से ज्ञानदार नहीं तो ज्यादा कौन तुम्हारे स्कूल करेगा? इसलिए भरपूर तरीके से हमें खुदावंत के हजूर में मांगना, भरपूर तरीके से कोई भी चीज गिफ्ट हो मांगिए, उसे कहिए, प्रे लाइफ के अंदर कहिए, आपको इत्मीनान के साथ मांगना है, कहीं किसी चीज की फिक्र ना करो, क्योंकि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्त दुआ मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा की हुजूरी में गुजारनी जाए तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे ख्यालों इरादों को मसीह यीशु में महफूज, पहले इत्मीनान देगा फिर गिफ्ट देगा, फिर जो आपने मांगा वो आता है। आमीन। जब कोई मेरे पास आता है प्रेयर के लिए किसी भी रिक्वेस्ट के लिए मैं उसको कहता हूं इत्मीनान, जब दुआ की है प्लीज इत्मीनान, जो ही पीस आएगा हीलिंग तब शुरू बरकत तब फिर जिंदगी में शुरू होगी। अगर आप उलझे रहेंगे, घबराए रहेंगे, परेशान रहेंगे तो नहीं, इत्मीनान की हालत में सरफराजी लेता है। इत्मीनान का मतलब है कि मेरा आपका खुदा कोई गरीब नहीं कि हम यहां तरह से परेशान है, शुक्र गुजारी कीजिए इत्मीनान के साथ अपने माथी हम मांगो तो मेटी आ जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा और खुला जो आसमान का रूह कुदस नाजिल हुआ। आप सब बेशुमार रूह कुदस से बैप्टाइज हैं, बरकतों से भरे हुए हैं, नेमतों से भरे हुए हैं, इसी तरह मांगते कहते चले जाए और घबराना नहीं है। ये मेथड है, ये क्राइस्ट ने बताया है एग्जाम्पल के साथ, पैरेबल के साथ कि किस तरह खुदा की हुजूरी से अगर फिक्रमंद होगे, ये आपके लिए पैकेज रखे हुए हैं। और पौलुस ने तो खूबसूरत बात कही है रोमियों के खत के अंदर आगे बाद में कहता है जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा, क्यों ना देगा? बोलिए रूल खुदा क्यों ना देगा? चाहिए मान लेना है तो क्या करना है? दो दरवाजा खटखटा है, किस तरह? जिस तरह उस दोस्त ने कहता मुझे चाहिए लेके जाऊं, मुझे चाहिए, खटखटाता खटखटाता खटखटाता, भूख है, नीड है, वो तो अपने सुनिए वो तो अपने दोस्त के लिए ले गया, आप अपने लिए भी ले सकते। वो तो फ्रेंड के लिए ले गया, इसका मतलब आप अपने बच्चों के लिए दीगर चीजों के लिए मांगे तो अपनी जात के लिए आप चुप करके बैठे दुखी है। वो जब उसे कफारा दिया है बच्चे देता है देना जानता है और वो मांगता है, ऐसे बुड़बुड़ करते रहे, बुड़बुड़ाते रहते, कोसते रहते एक दूसरे को खुदा को भी, बस ऐसे ही एक मुस्तैद लाइफ जो है हमें बसर करनी है। तो मांगने वालों को इब्तदाई कलीसिया को मिल गया आमीन, और फिर वो रूह कुदस से मामूर होते चले गए मिल गया, मगर बोलिए
मामूर होने के लिए होली स्पिरिट जो कहता है उसके मुताबिक चले, बाइबल मुकद्दस में जो लिखवा दिया गया है उसके मुताबिक, अपने जेहन से नहीं। क्योंकि मैं सोचता हूं मुझे ऐसे फील होता है, नहीं, जो रेफरेंस साफ बात लिखी गई है वो हमें बयान करनी है, उसके ऊपर स्टैंड करना है, और न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट से मैच हमारी तालीम करे। ये नहीं कि शरीयत को पे ऊपर अमल करना है कि उस तरह कुर्बानी चढ़ी, ये नहीं, वो सब मसीह में पूरी हो गई है, इसलिए वो ट्रुथ है, इसलिए हमारे साथ न्यू टेस्टमेंट के साथ अटैच। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है रोज बरोज मामूर होना है। और मैंने हवाला पढ़ा हिजकेल की किताब के अंदर, और जब आप 47वां बाब पहली आयत से पढ़ेंगे तो लिखा है खुदा के हैकल के आस्ताना से एक दरिया जारी होता है। ये रोया दी गई लास्ट डेज की अब्दियत की, और वो जो वहां पर वो रिवर है जिंदगी का दरिया है वो कैसे बहता है, ये सारा दुनिया के अंदर होली स्पिरिट का क्या काम है, ये सारा बता दिया गया ताकि बनी इसराइल पड़े बहाल हो, क्योंकि असीरी के अंदर थी, और होली स्पिरिट के हवाला से बताया गया कि वो दरिया बहता है। और लिखा है उसको जब नापा तो पानी 1000, जब वो आगे गया 1000 बढ़कर नापा तो पानी टखनों तक था, पांव के टखनों तक पानी था, फिर 1000 और नापा आगे गया तो पानी घुटनों तक था, जब और आगे गया 1000 तो पानी कमर तक था, फिर तैरने के दर्जा को पहुंच गया। ये होली स्पिरिट के दर्जे हैं हमारी जिंदगी में मामूली के। आपके अंदर टखनों तक के पानी में आपकी प्रेयर लाइफ है, आप घुटनों तक चले जाते हैं, आप होली स्पिरिट के साथ खड़े हो जाते हैं कमर के पानी तक भी तैरने के दर्जे को पहुंच जाते हैं। तो ये दरिया कहा, क्राइस्ट ने कहा जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुवत पाओगे, और कैसे उसकी तरीका कहा गया है, यहूदिया में सामरिया में और ग्रीस और दुनिया की इंतहा पर मेरे गवाह होंगे। काम यहूदिया से शुरू हुआ, सामरिया 10 कबीलों जहां बसे बड़ी या कौमें भी वहां आबाद थी, गलील और फिर दुनिया की इंतहा। तो जब ये दरिया जारी हुआ तो टखनों तक का पानी यहूदिया के अंदर, फिर सामरिया गलील के अंदर, फिर घुटनों और सारी गैर कौमें दुनिया तक फैल गया। मैं और आप ना सिर्फ टखनों घुटनों बल्कि कमर बल्कि तैर रहे हैं होली स्पिरिट के अंदर, मामूर है और मामूर होना है। टखनों तक नहीं चलना, जैसे बाग बीच में जाते हैं उस बंदे में थोड़े से पानी में जूती हाथ में पकड़ी और थोड़े से पानी में चल के एंजॉय कर रहे होते, टखनों तक नहीं जरा अंदर जाओ, अंदर ही जा सकते हैं, तैरना है फिर टखनों तक ही रहोगे, फिर आगे बढ़ो लाइफ घुटनों तक आए पानी फिर आगे। तो ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर रूह का उनकी मूव है, लिखा है उस दरिया के आर पार दरख्त की तरह मैं आप लगाए गए हैं फलों से भरे। दुनिया अमेरिका अमेरिका देखिए, इंग्लैंड देखिए, कैनेडा देखिए, कोरिया में आ जाइए, बड़े सिबीर में आ जाइए, पाकिस्तान में आ जाइए, जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां गुरुकुदस से मामूल लोग होंगे। यहां है कोई रोक के देखे गुरुकुदस की मूर्त, स्लैब को रोक के देखे हर जगह पर, इराक के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा मसीही इराक में था। आप सोचते हैं यार मैंने इराक में बहुत मसीह, शाम में सीरिया में वहां तो ताके की कलीसिया वहां से स्टार्ट हुई, बेशुमार काम जो है अंडरग्राउंड चर्चेज है, चाइना में काम है, ऐसी मूव होली स्पिरिट की हर जगह पर खुदा के लोग मौजूद है।
इसलिए पानी वो आगे के रूल कुदस में टखनों तक चलने पर थोड़ा सा या घुटनों तक या कमर तक आ गया पानी या आप तैर रहे हैं। हमें तैरना है लिखा है वो दरिया कोई अबूर ना कर सका वो लामहदूद पर्सनैलिटी खुदा है मगर उसने तैर तो सकती है मामूर हो जाइए उसमें उधर से थर फुलने सब खोली उसमें मामूली और शागिर्द रूल कुदस से मामूर होते चले गए और रूल कुदस की मामूली के निशाना क्या है शैतान में मतवाले ना बनो उनको कहा गया उससे मिसाल उसी से उठाई थी वो सोचते थे इससे मसरूर होते नहीं रूल कुदस से मसरूर हुआ गया क्योंकि जब रूल कुदस नाजिल हुआ वो मसरूर थे तो यहूदी कहने लगे ये ताजा मैं की नशे वो नशा याद आता मैं तो अभी तो दिन ही चढ़ा है ये रूल कुदस जो जो इनकी किताबें लिखा या वो नाजिल होगा तो लिखा है क्या तुम्हारे होश नई मैं से लबरेज हो जाएंगे और खत्ते क्यों से भर जाएंगे नहीं मैं होली स्पिरिट हमारे अंदर आ गया है ये हो लबालब हम मसरूर हो मामूल हो और नई मैं नई मशकों में डाली जाती है पुराने आदम के गुनेगार बदलों के अंदर नहीं नया बदल नया मखलूक होली स्पिरिट कहां गया वहां इसलिए मसरूर और मामूर जिंदगी बसर करना ये प्रथा कलीसिया में जाएगा ये घर बैठ के वो मामूर होगा लोग सोचे खाली बैठ जाते वो अपने आप को धोखा मामूरी कलीसिया के अंदर दिखती वर्षिप यहां होनी है घर में भी आप खुदा की बंदगी करेंगे पर कलीसिया के साथ क्यों खुदा ने क्राइस्ट ने कलीसियाओं को खत लिखा है क्या ग्रुपों को खत लिखा है कि फला ग्रुप को खत लिख दो फला तंजीम को खत लिख दो पर्गमन की कलीसिया इफिसस की कलीसिया थियातीरा की कलीसिया लदूकिया फिलाडेल्फिया कलीसियाओं को तालीम दी कलीसिया में रहना कलीसिया में तालीम वो जिम्मेदार है खादम ताकि वो गाइड करे रूल कुदस से तालीम लेकर इसलिए ताबित मुकदस के मुताबिक हमें मामूर होना और शागिर्द रूल कुदस से बोलिए मामूर होते रहे खुशी से और आप इसके अंदर जो मामूरी की चीजें जिक्र भी मैं बयान करूंगा पर मामूरी में रूह के मुआफिक अगर चलेंगे तो सबसे जो अव्वल नंबर पे बात आएगी वो दिलेर अगर मामूर है तो दिलेर यशो से भी यह कहा गया मूसा ने कहा बेदिल ना हो दलेर हो मजबूत हो ये चीजें मामूरी बख्शती हैं मामूरी होने का हम दलेर से देखेंगे और पत्रस की जिंदगी अमाल की किताब के अंदर उन्होंने लंगड़े को हैकत से उठाया शिफा दे दी और पत्रस वास करने लगा यहूदी कहने लगे ये अनपढ़ लोग कैसे कलाम दलेरी से सुना रहे तो दिलेरी क्या थी वो यहूदियों को कहता था आसमान तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके वसीला से निजात ये दिलेरी देखी उन्होंने और खुद जब दुआ में बैठते जब भी बैठते दुआ में करते तो कहते हम पर फजल का रूह से भर दे ताकि हम दिलेरी से कलाम सुनाते घबराए फिरते हैं छोटी छोटी बातों से घरों के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम से अपसेट है बेदिल नहीं होना मायूस नहीं होना क्यों क्योंकि कंपार्टर होली स्पिरिट हमारे साथ है हमारा काउंसलर हमारे साथ है हमारा मददगार साथ कैसे इसलिए दिलेरी हो और जो मैंने बताया दोस्त रोटी लेने आता है
वहां बेहयाई का जो मानी है वो दलेरी, दलेर लोगों को वो अदा करता है मामूली, और दलेर लोग ही, मामूल लोग ही दलेरी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कितना दलेरी से गवाही देते हैं, कितना दलेरी के साथ खुदा की बारगाह में खड़े होते हैं, साबित करते हैं अगर घर के अफराद खुदा से दूर है दलेरी शो करें कि मैं खुदा का बेटा हूं, वर्शिप उठाए, कलाम सुनाए, कलीसिया के साथ चले, बोल्डनेस किसका डर, सिर्फ खुदा की जात का। और सुनिए अमाल की किताब में लिखा इब्तदाई कलीसिया रूल कुदस की तसल्ली, और आगे बोलिए खुदा के खौफ के अंदर बढ़ती और तरक्की करती चली जाए। ये मामूली कर्नीलियस के घर में रूल कुदस भेजता है, जाओ मामूल लोग थे, अच्छी खोजा के बाद जाओ आगे जाते थे। अमाल की किताब जब आप पढ़े तो पढ़ने वाले को आग लगा देती है ये किताब, कभी आप इसको पढ़िए तफसील के साथ, इसको रूल कुदस की अंजील भी कहा जाता है। ये सुनो कि बाइबल की किताब खत्म है पर रसूलों के बाद जारी है, क्योंकि आज भी काम जारी है। प्रेज द लॉर्ड, ये एक्ट रसूलों के आज भी, जैसे पौलुस की पतरस की जिंदगी में देखते हैं, आज भी देखिए खातों की जिंदगियों में, और खुद विस्तार में साबित कर दें कि कलीसिया रूल कुदस की तसल्ली, पहली बात तसल्ली और खुदा के खौफ के अंदर बढ़ती और आगे बढ़िए तरक्की करती, ये मामूली है। और एक आयत परिचियों के साथ पांचवें बाप की था 19वीं आयत, आपस में मजामी गीत रूहानी गजलें गाया करो। कुछ हथौड़े हैं तो प्रीचिंग कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई गीत गा रही थी पीछे में होता ना, जो आपके पास तोड़ा है क्या आप लोग खुद से मामूर होकर वश उठा ले, अगर नहीं गाते अच्छा गाना नहीं रू से मामूर होकर काम, रियासत वाला नहीं क्या आप कहते रियासत हो तो बड़ी अच्छी बात है पर मामूरी उससे बढ़कर, इसलिए अगर रियासत में देखेंगे तो फिर पांच साल है मैं नुसरत फतेह ये लोग है क्या ये मामूर है, नहीं वो शैतान से मामूर है। अच्छा गाते हैं तो कोई भी गा सकता है मगर खुदा के लोग रूह से मामूर होकर गाए, अगर प्रैक्टिस हो तो क्या ही क्या ही अच्छे तरीके से और गाए सालों के साथ अदाओं के साथ, और याद रखें अगर नहीं गाते सांस नहीं बजाते गजलें नहीं गाते, मैं जब बैठता हूं कहीं गजल गाने वाले हैं मुश्किल से मुश्किल शायरी क्रिश्चियन शायरी में गजल गा सकते, गीत गाइए जबूर गाइए सॉन्ग गाइए रू से मामूर होते जाओ, आमीन। जो आपके पास थोड़ा गाओ खुदा की हुजूरी में आपको दी गई है आवाज कलीसिया के अंदर मसीह के तख्त को लगाने के लिए, हम इसलिए गवाही हमारी ठीक है और अलर्ट हो जाए, मामूर खुदा के लोग साथ बजाने वाले मामूर, जरा भी गफलत की जरूरत नहीं, जरा भी झोल नहीं, मजामीर गीत रूहानी गजलें आपस में दिल से गाते बजाते रहा करो। आप देखना वर्षी उठाने वाले साइमन की वर्ष है, साथ कैसर ड्रम पे बैठा होता है, क्वायर सब बजाने वाले लीड करने वाले आप तालियों से बजाए बताए कैसी मेहनत क्या बजाने के लिए, इसलिए हर हर थोड़ा हर छत आप साथ इसी तरह वक्त खुदा की हजूरी में देते हैं। आपने सारी सीरीज सुनी और एक एक शख्स की जब दुआई मैं सुनता हूं हम मसरूर मामूर हैं
तो हमें रूल कुदस से रोज रोज बोलिए मामूर होते चले जाना है। और आखिर में सुनिए चंद और बातें, गिरदों की बात बताई, पतरस की दलेरी की बात बताई और पलूस का भी मामूर होना सुनिए। आदि रात पलूस और सिला हाथों में संजीरे चढ़ रहे हुए दीवारों के साथ तले हुए पर आदि रात क्या कर रहे थे हंट के। ये मुसलमान है ना, वो कैसे हो? ये नहीं हाथ लिखा पत्र को जमानत करा वाली निकाल यहां से, हमें मुश्किल के अंदर है। आदि रात बोलिए
Holy Spirit के लिए काम के लिए नई जिंदगी के लिए हम शुभ करें तेरे रूह कुदस में मानूं Praise the Lord. आइए खुदा उनके शुक्र करें और खुदा उनके जलाल के लिए हम सारी बजाकर मैंने आपके लिए प्रेरित किया है आप अच्छा और जो कोई भी गिफ्ट फाइंडर दिन में आप अपनी लाइफ से देख सकते हैं और तंग बोलने वाले भी बोल रहे थे आपको जो बैप्टिज्म के अंदर आप घर में सेल्फ में जारी रखिए इन प्रेयर को सिर्फ आज की हद तक में रोज रोज रूह कुदस से मामूर होना है और आपने जो आगे आए जो ब्लेसिंग आपको मिली पर्सनली सब ताली बजा कर आप उसका जहां कोई कुछ कहना चाहे जब जो ब्लेस किया कुछ कहना चाहे कोई कोई मैंने उधर से एक गुंद बेटी और जिसने टंग्स भी बोली हो वो भी मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ और होली बैप्टिज्म मुझे आज से 7 साल पहले हुआ था और मैंने जब इस चर्च में इस साल के शुरू में टेस्टमनी दी थी तो मैंने कहा था कि क्योंकि आपको पता होता है कि आपके स्पिरिचुअल लेवल्स क्या है तो आप जब पढ़ना चाहते हो तो आप और ज़्यादा उनकी ख्वाहिश करते हो तो मैंने गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट के लिए प्रे करना शुरू की थी क्योंकि मुझे रूम में फील होता था कि जब खुदा सबसे कोई ना कोई खिदमत लेना चाहता है वो चाहता है कि हम रूम में ही रह के सारे काम करें और जब रूह की मामूरी होती है तो आप अपनी ज़िंदगी में उस फर्क को भी महसूस करते हो तो मैंने ईमान से आज जिन गिफ्ट्स के लिए प्रेयर की है साल के शुरू में मैंने कहा था कि मैंने इस पूरे साल में मैं उस चीज़ के लिए प्रेयर करूंगी तो आज मैंने ईमान से उन सब बरकतों को रसीद किया है कि आने वाले दिनों में खुदा गिफ्ट मेरी जिंदगी में ऑपरेट करेगा अगर डिलीवरेंस का काम लेना चाहता है हीलिंग का गिफ्ट प्रोफेटिंग अनॉइंटिंग जो भी आप गिफ्ट उसकी जो मेरे दिल की ख्वाहिश थी वो मैंने अपने दिल में रखी हुई और जब वो पूरी होगी तो ऑब्वियसली सबको पता चलेगा मैंने बाथरूम की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस को फील किया क्योंकि जब बाथरूम मूव करता है तो वो मतलब मेरे साथ भी होता है कि मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं और जब खुदा का खादिम मैं हमेशा कहती हूँ कि जब खुदा का खादिम आपके लिए हाथ रखता है तो ये फील करें कि यसू आपके साथ है तो जीसस यहाँ पे मौजूद थे और ड्यूरिंग सर्मन ये होली स्पिरिट कितने सर्मन हुए मुझे होली स्पिरिट की प्रेजेंस अपने चर्च में बहुत ज़्यादा फील होती थी तो मैं इस चीज़ के लिए भी शुक्र अदा करती हूँ और आज की इस सारी और ये एक रिवाइवल है हमारे चर्च का मैं कहूँगी ये आज ये मतलब मेरी शादी को मैं दोबारा से बताऊँगी कि 14 साल हो गए हैं और आफ्टर 14 ईयर्स ये मैंने आज पहली दफ़ा ये एक प्रैक्टिस पास्टर साहब ने की है सो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि और जब रूह की मामूरी थी तो मैं हमेशा स्लेव होती हूँ तो आज वो स्लेव होने वाला टाइम नहीं मिला और एक चीज के जब रूम में मामूर होते हैं तो हम जो पाक रूह आपको गीत देते हैं आप जरूर गाया करें अपनी आवाज को रोके नहीं ठीक है आप रूम में मामूर होंगे तो आप गाते भी रहेंगे दुआ भी करेंगे और हमेशा उसके साथ ही आप थैंक यू प्रेज द लॉर्ड खुदावंद की शुक्र करता हूँ खुदावंद के जो है वो अजीम खादिम के लिए मैंने भी जो है खुदावंद के बंदा ने मेरे पर हाथ रखा तो खुदावंद से मैंने काफ़ी दिन पहले ही ये दुआ मैं करता आ रहा था जैसे खुदा खादिम ने कहा था कि पहले से तैयारी करें पिछले 2 संडे से उन्होंने बता दिया था कि हम ये छोटा सा सेशन करेंगे तो खुदावंद का शुक्र है मैंने खुदावंद से मेरे दिल में यही बात आ रही थी कि जो है वो मैं खुदावंद से यही कहूँ कि तो अपने बंदा की जो मिनिस्ट्री है वो मुझे आगे जो है ना वो आगे मेरे अंदर भी वो मिनिस्ट्री काम करे तो मैंने खुदावंद से ये दरख्वास्त की है खुदावंद ने मेरा ईमान है कि ये कबूल की है तो ये खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए मेरे से ज़्यादा हो सकते हो ये मेरी आपके अंदर नहीं जाते ख्वाहिश रख सकते पर रूह कुदस जिसको जो चाहता है वो खुदावंद आपको बरकत दे बाद में भी आप दुआएं दे सकते हैं मुझे क्या आपकी जिंदगी में आप गॉड ब्लेस यू बैठे और खुदावंद का शुक्र करें सब अपनी जगह के ऊपर बैठे बैठे हाथ उठाएं जब तक ये सारी